कुंदा। तो हम गांव आने से पहले ही ट्राई करेंगे अभी कुंदा। व्यू देखो भाई क्या, वो चढ़ाई चढ़ रही है, वो देखो ट्रेन भाई, वो देखो दूध सागर, ये देखो। छोड़ो भैया छोड़ो यार, मैं बोलता ना उल्टा। सो गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। तो फिलहाल अभी मैं हूँ गोवा के एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे, जो अपना मडगांव। और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा हमारी ट्रेन है गोवा एक्सप्रेस। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस है वैसे गोवा एक्सप्रेस है। और आज की एक स्पेशल चीज पता है क्या है, जो हमारी गोवा एक्सप्रेस है ना वो दूध सागर वाटरफॉल के साइड से निकलते हुए जाएगी, मतलब बीच से ही निकलते हुए जाएगी। और दूध सागर वाटरफॉल का अगर आपने नाम नहीं सुना है ना तो भाई आपने कुछ नहीं सुना है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम दूध सागर वाटरफॉल को देखूंगा ट्रेन से और आपको भी दिखाऊंगा। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम मडगांव से। दोस्तों अभी कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली है 15 मिनट में। तो मैंने ये लिया है यहाँ से खाना, खाने में लिया है बिरयानी। और ये बिरयानी पड़ी है मुझे ओनली एंड ओनली 85 रुपीज़ की। तो खा लेते हैं कैसी बिरयानी है भाई। बिरयानी तो एक नंबर है भाई। तो दोस्तों खाना वाना हमने खा लिया, तो चलिए अब ट्रेन भी आने वाली है, पानी वानी ले लेते हैं साथ में, दूध ले लेते हैं। भैया दो बोतल पानी देना, ये कितने का बोल रहे 30 का, और एक वो दे दो कीजिए भैया। चलो ये देखो ये अच्छा होता है, ये दूध के साथ खाएंगे। तो दोस्तों अगर आप गोवा आते हो ना तो इस चीज़ को जरूर ट्राई करना एक बार, दूध के साथ इसको जरूर ट्राई करना। बोलते पता नहीं क्या, लेकिन अच्छा है भाई। तो देखिए भाई 3:35 हो रहे हैं, 5 मिनट की डिले के साथ हमारी गोवा एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मडगांव रेलवे स्टेशन के। देखिए लोकोमोटिव देखिए EMT लगा है। ये गोवा एक्सप्रेस देखिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट टाइमिंग की बात कर लेते हैं आज के अपनी 1279 गोवा एक्सप्रेस की। तो ये जो ट्रेन है ये हर दिन दोपहर को 3 बजे वास्को डी गामा से निकलती है। 2193 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन सुबह 6:25 पे आपको हजरत निजामुद्दीन पहुंचाती है। इस जर्नी को कम्प्लीट करती है ये ट्रेन 39 घंटे और 25 मिनट में लगभग 29 होल्ट के साथ। और आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो इकोनॉमी क्लास में होने वाली है। M1 हमारा कोच है सीट नंबर 55। सो ये हमारा M1, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो ऐसा कुछ इंटीरियर है। आज शायद मैं तीसरी बार सफ़र कर रहा हूँ जब से ये लॉन्च हुए हैं इकोनॉमी के रैक्स। सो दोस्तों देखिए 3:50 हो रहे हैं और लगभग 15 मिनट की देरी के साथ हमारी गोवा एक्सप्रेस ने डिपार्ट कर दिया भाई मडगांव से। बाय बाय बोलते हुए हम गोवा को। हाँ 55 हम एक्सचेंज कर लेंगे सर। किसके साथ? हमारा ऊपर का इधर का। इधर है आपका? हाँ। ये नीचे किसका है? नीचे का। कोई ना कर लेंगे। तो देखिए भाई गोवा की ब्यूटी शुरू हो चुकी है और इस रूट में मैं पहली बार आ रहा हूँ, सिर्फ कर्व ही कर्व। तो दोस्तों वास्को डी गामा से लगभग 58 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी गोवा एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने तीसरे हॉल्ट पे जो अपना कूले। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10-20 मिनट का स्टॉप है क्योंकि इसके साथ अभी लगे यहाँ पे इंजन और आगे एलिवेशन, थोड़ा एलिवेशन है ना ट्रैक पे, ट्रैक पे एलिवेशन है तो इसलिए इंजन लगेगा यहाँ पे हमारी ट्रेन के साथ। अंदर का क्या हो गया था भाई, सीट जो मेरी है ना वो एक्सचेंज करनी पड़ेगी अभी क्योंकि वहाँ पे एक बुजुर्ग एज्ड आंटी हैं, वो बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी सीट दे दो और हमारी साइड अपर वाली है, मेरी साइड लोअर है ना, उनकी साइड अपर है
तो कह रही है एक्सचेंज कर ले। पता नहीं रेलवे भी अपर बर्थ क्यों देता है भाई सीनियर सिटीजन को, समझ नहीं आता रेलवे का भी कुछ। और नहीं नहीं बोलो छोड़ो भैया छोड़ो यार, मैं बोलता ना उल्टा बोले। अबे छोड़ो यार, चल 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 तू मेरे पेंट्री में चल, गाड़ी ले लेगा। मैं क्या बोलता भाई, पेंट्री वाले हैं यार वो, पेंट्री वाला है तो पेंट्री वाला है, रनिंग में रनिंग में नीचे आ गया ना, फिर क्यों बोल रहा है? चुप बैठो, अभी चुप बैठो ना, ज्यादा बड़े छोड़ो छोड़ो यार छोड़ो। बड़ा अपना समोसा है, पेंट्री वाला है तो क्या तुम क्या क्या बोल रहे कि नहीं बेचेगा? रनिंग में आता मैं कभी नहीं करने, धंधा करने का। अरे धंधा करना का लड़ने का, धंधा करना छूटा जा तो छोड़ो भाई, इनका चलता रहेगा। मतलब बेचने वालों के आपस में लड़ाई हो रही है भाई, हद होती है कोई चीज की। दिखा ना क्या चीज है, स्वीट मिठाई है भाई। कितने का है? 160 का था भाई, 400 ग्राम का था। सो अभी अपनी ट्रेन निकली है भाई स्टेशन से। और ये जो स्टेशन था ये कूले था, और यहाँ से जो दूध सागर वाटरफॉल है ना, तो वो यहाँ से है लगभग 22 किलोमीटर। अगर आपको बाय वॉक जाना पड़ेगा तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे ट्रैक करने से। अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आपको 30 मिनट लगेंगे। और ये कुछ मिठाई ली है हमने, मतलब लोकल मिठाई है, शायद यहीं की है ना। सो ये अपने को पैसेंजर हैं फ्रॉम पुणे है ना, व्हाट्स नेम? लविश। लविश भाई है, तो ये भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो अभी दूध सागर वाटरफॉल। सो दूध सागर वाटरफॉल देख लो भाई, मिठाई का रिव्यू बाद में करेंगे। बाकी ये भैया भी आ गए स्पेशल दूध सागर वाटरफॉल देखने के लिए ना। पहली बार देख रहे हो आप ही? जी सर। बाकी भैया भी पहली बार देख रहे हैं, और भाई क्रेज देखो भैया का, स्पेशल वेट कर रहे थे है ना। लेकिन अभी टाइम लग गया, 20 मिनट लग जाएंगे। और पीछे का व्यू चेक करो भाई, क्या व्यू है यार देखो। और देखिए यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज भी है, एंड ये भैया शायद टूरिस्ट हैं। भैया देखा है वाटरफॉल? वाटरफॉल भैया बाय। फॉल अभी आएगा क्या? आएगा जस्ट आप अंदर चलिए तो आएगा। कितनी दूर है अभी? बस 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। पास से देखिए, ये पास से दिखेगा वो तो, वहां पे नीचे जाते वक्त दिखेगा। ओ बोलिए ना, बोलिए गाइस, देखिए बोलो बोलो अभी। अब देखिए गाइस, दूध सागर गोवा इज द बेस्ट पॉइंट। हाँ, आप कहाँ से? पुणे? नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ से? जालना? जलगांव। हाँ जलगांव, जलगांव भाई, जलगांव से। और देखो भाई मेरे से अच्छी कमेंट्री तो भाई कर रहे हैं आप यार न्यूज़ में थे क्या? नहीं नहीं। हाँ बिजनेसमैन। हाँ बिजनेसमैन हो, कहाँ दिख रहा है? वो देखो। हाँ हाँ हाँ, ये देखो भाई दूध सागर वाटरफॉल। ओहो भाई ये आप फॉलो होंगे नज़ारे, यहाँ से तो बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, एकदम जोरदार है, एकदम जोरदार व्यू दिखेगा एकदम। और भाई ट्रेन की रफ्तार देखो कितनी धीमी हो गई है। भाई वो देखो दूध सागर, ये देखो, दिखा ना दूध सागर। अच्छा बहुत है, ये देखिए भाई दूध सागर। ओ भाई साहब, अब दिखेगा अच्छा, वो देखो ऊपर, वो देखो भाई ऊपर दूध सागर। व्यू देखो भाई क्या व्यू है यार। यहाँ आएगा ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब, ओ हो हो हो, ये देखो
ये सबसे क्लोज था है ना, अभी घूमेगी ना ट्रेन फिर आएगा। अभी ये वादियां दिखेंगी बस। वो चढ़ाई चढ़ रही है, वो देखो ट्रेन, वो देखो चढ़ाई चढ़ रही है। वो मंदिर दूध सागर, यहाँ से देखो जो RPF चढ़ रही है भाई। और यहाँ पे पैदल यात्रियों का आना मना हो गया है, पहले यहाँ पे पैदल यात्री आ सकते थे लेकिन अभी मना हो गया भाई। यहाँ पे उतरना मना है ना, पहले जा सकते थे। पहले भी मना है, लेकिन अब ज़्यादा टाइट कर दिया। हाँ? टाइट ज़्यादा कर दिया। ओ पहले मना था लेकिन लोग चले जाते थे। तो भाई कटरा जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे माँ वैष्णो देवी कटरा जाते हुए टनल्स नहीं आती, वैसे ही टनल्स आ रही है यहाँ पे। व्यू देखो भाई, क्या व्यू है यार। अच्छा है कैमरा, फोर किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। और दूध सागर वाटरफॉल की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बहुत ही प्यारा दूध सागर था ना। बाकी भाई पहुंची हमारी ट्रेन कैस्ट्रल रॉक में, तो कैस्ट्रल रॉक के बारे में भैया आपको बताएंगे। भैया बताओ कैस्ट्रल रॉक। यहाँ पर माइनिंग होती है, बड़ा बड़ा रॉक्स निकलता है। हाँ। और बहुत सारे नॉर्थ वाला पब्लिक यहाँ पे काम करने के लिए आता है। तो भैया का इंट्रोडक्शन करना भूल गया भैया। नाम? मेरा नाम अजहर शेख। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो भाई पुणे से आया ना, महाराष्ट्र पुणे से। हाँ, तो कैसा लगा आपको विजिट करके? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। सो जो अपना कैस्ट्रल रॉक था, ये हमारी ट्रेन का फोर्थ ऑफिशियल हॉल्ट था, 5 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। और एक चीज़ आपको बताऊँ मैं, जैसे कि इस रूट पे आप जर्नी करोगे, बीच में छोटे छोटे स्टेशन आएंगे, वहाँ हर स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी और आपको मौका मिलेगा भाई छोटे छोटे स्टेशन देखने का। वो क्यों रुकेगी, इसके ऑफिशियल हॉल तो नहीं है लेकिन टेक्निकल हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ कोई और रास्ता नहीं है। जो मतलब स्टाफ होता है ना, वो चढ़ता उतरता रहता है। अदरक वाला चाय। टाइम हो रहा है 8:04 और अपनी सीट छोड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि दीदी बोल रहे हैं कि एक्सचेंज कर लो, तो अभी एक्सचेंज करेंगे सीट को। जाइए जाइए। हाँ हाँ, कोई ना कोई। आप भी जा रहे हो क्या? मेरा ऊपर का है। अच्छा, आपको उधर है, चले जा दादी। जाइए सो जाइए, नीचे ही है, ठीक है। आपको हाँ आपको नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ये आपका है लेज ऊपर, वो लेज आपका है लेज, लेज ये जाइए जाइए नीचे नीचे होगा ये आपका है। बाकी देखिए दादी कितने बुजुर्ग हो गए है ना। दादी कहाँ जाओगे, पुणे? हाँ हाँ अच्छा नासिक, नासिक कोपर गाँव। बाकी दादी जाएंगे कोपर गाँव, बैग ले आते हैं। यहाँ इन्होंने बेड रोल ही नहीं छोड़ा यार, चलो इनको बोलते हैं। सो भाई देखिए आ चुके हैं हम हाथी के मत्थे पे, और ये देखिए भाई ये जो सीट्स हैं ना ये सारे स्टाफ के लिए हैं। बाकी चलिए अब मिठाई करते हैं ट्राई, ये अपना कुंदा। और दोस्तों ये जो कुंदा मिठाई है ना ये अभी बेलगांव आने वाला है, वहाँ की फेमस मिठाई है कुंदा, तो हम गांव आने से पहले ही ट्राई करेंगे अभी कुंदा। तो ये देखिए ऐसा होता है कुंदा, बीच में खोलते हैं ये देखिए, ये चम्मच तो है नहीं, वो हाथ से ही खाना पड़ेगा कुंदा। एकदम रबड़ी जैसा फील दे रहा है, काफ़ी अच्छा है हमारा कुंदा। हेलो कुंदा खाओ, खाओ कुंदा यार बढ़िया है, एक नंबर कुंदा, बेल्जियम का कुंदा अच्छा है, एक नंबर है भाई। बेलगांव दोस्तों स्वागत है आप सभी का कर्नाटका में। जी हाँ दोस्तों पहले हम गोवा में थे, अभी हम कर्नाटका राज्य में आ चुके हैं। वास्को डी गामा से लगभग 160 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी गोवा एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने छठे हॉल्ट पे जो है अपना बेलगांव। और जो अपना बेलगांव है इसका स्टेशन कोड है BGM, 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेन 52 मिनट्स की देरी से आई है अपनी बेलगांव। बाकी देखिए क्या हाहाकार मची हुई है यहाँ पे, जो भी पैसेंजर हैं वो सारे के सारे जनरल में भाग रहे हैं। जनरल जा रहे हो, जनरल मतलब ऐसे जैसे रैली भरती नहीं होती है, जैसे रैली भरती है वैसे जा रहे हैं। बाकी ये अपने भाई हैं, ये भी ब्लॉगिंग करते हैं। क्या नाम है आपके जानने का, अब बताया था आपने, लॉन्ग ड्राइव अवे। हाँ तो चलो अभी बेलगांव पहुंची है ना, मिठाई खाई है आपने बेलगांव की? मिठाई हमने ली है, खाना है। क्या नाम था उसको मिठाई का? कुंदा। कुंदा, कुंदा। बाकी यहाँ भी आपको कुंदा कितने का है? 80 रुपीस का कुंदा। तो ये लिया है भाई हमने वड़ा। बाकी बेलगांव यार स्टेशन काफी बड़ा है, देखिए कितना बड़ा अभी नया बना है। एंड ये खा रहे हम बेलगांव का वड़ा, अच्छा है भाई बड़ा। इधर ही घुस जाओ, कहाँ भाग रहे हो, इधर ही घुस जाओ, भागो भागो। क्या किया वो, दौड़ते दौड़ते चढ़ गया, दौड़ते दौड़ते कितने का अमरूद है? 50 का 3। और भैया को पूछ लेते हैं, खाना खा लिया? खाना खाना खा लेंगे थोड़े टाइम, आ जाओ। नहीं, आप खा अरे आ जाओ भाई, देखो जैसे हम आए ये बंदे ने खाना लाके छोड़ दिया, तो मैंने तो भाई बोला था स्टैंडर्ड वेज तो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, बीच में पनीर का लोचा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो पैसे भाई स्टैंडर्ड के ही दूंगा, सीधी सी बात है भाई। तो ये खोलते हैं क्या है, क्या दिया है इन्होंने, ये देखिए भाई ये पनीर की कहानी इन्होंने फिर कहानी छेड़ दी। अब मुझे पता है कहानी का ट्विस्ट क्या होने वाला है। ये मांगेंगे मेरे से 150 या 160 रुपये इस खाने के, सिर्फ ये पनीर का लोचा ऐड करने का। चलो इनको एक बार वार्निंग दे देंगे, पैसे तो अब देने पड़ेंगे ना, मैंने स्टैंडर्ड बोला था। चलो टेस्ट कर लेते हैं, ये आ गया हमारा पनीर। पनीर एक नंबर है भाई। बाकी दाल आ गई। दाल मेरी फेवरेट नहीं है बट सही है, खा सकते हो आप। बाकी ये वेज आ गया, वेज भी अच्छा है। ओवरऑल खाने की बात करें तो खाना अच्छा है, रेटिंग दूंगा 10 में से 8। बाकी दही भी है और ये रोटी भी है साथ में,
रोटी वही दो पराठे होंगे। तो चलिए खाना खा लेते हैं, आपको सीधा मिलते हैं। प्राइस पे कि इसका कितना प्राइस डिसाइड होता है जीएसटी डाल के। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि हमारा कोच पूरा का पूरा टूट जाता है, मतलब एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसके, और मजबूरी में इसको पूरा खोलना पड़ता है। वो क्यों खोलना पड़ता है वो सब आपको कल पता चल जाएगा। और देखिए जो हमें इन्होंने भाई रोटी दी है वो क्या हालत हो रखी है रोटी की, मजबूरी में मैं गुस्से में आके कंप्लेन कर देता हूँ। और भाई जैसे मैं कंप्लेन करता हूँ ये सारे के सारे मेरे को घेर लेते हैं कि आपने कंप्लेन क्यों की, आप मतलब हमें इतनी अच्छी, हमने इतना अच्छा खाना दिया और आपने कंप्लेन क्यों की। अब देखते हैं कल क्या होता है, मुझे ये मेरे पैसे रिटर्न देते हैं या मुझे क्या धमकी देते हैं, वो सब आप कल देखते रहना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।